और दोस्तों आप यहाँ पर डिजेबल सिर्फ उसी को करना जो एप्लीकेशन आपको इरिटेट कर रहा हो। वेलकम टू कंप्यूटर पाठशाला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आपके लैपटॉप पे जब आप अपने लैपटॉप को ओपन करते हो कुछ एप्लीकेशन अपने आप ओपन होने लगते हैं। जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो कुछ कुछ एप्लीकेशन अपने आप स्टार्ट हो जाता है, अपने आप ओपन होने लगता है, तो फिर आपको उसको क्लोज करना पड़ता है। तो आप ऐसा क्या करो, क्या सेटिंग करो कि वो आए ही ना, आप आराम से ओपन करो अपने कंप्यूटर को और वो स्टार्ट हो जाए। क्योंकि होता ये है ना दोस्तों कि अगर आप अपने लैपटॉप को ओपन करते हो और उसके साथ बहुत सारे एप्लीकेशन अपने आप ओपन होने लगते हैं तो आपका लैपटॉप थोड़ा स्लो हो जाता है। तो कुछ एप्लीकेशन को आप अलाउ कर देते हो जिसके वजह से वो क्या होता है, अपने आप ओपन होने लगता है। तो आपको उसको जाकर के बस बंद करना है। तो फिर आप अपने लैपटॉप को ओपन करोगे तो आपका लैपटॉप स्मूथली ओपन होगा, उसके साथ कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं होगा। उसके लिए आपको जाना है स्टार्ट पर और यहाँ पर करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा टास्क मैनेजर, आपको इस पर चले जाना है। अब जैसे ही टास्क मैनेजर पर क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप कर देना मोर डिटेल्स। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे ये पूरा खुलेगा। इसमें आपको शो होगा कि कौन सा एप्लीकेशन आपका ओपन है, क्या क्या बैकग्राउंड में चल रहा है, वो सारा कुछ यहाँ पर शो होगा। सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, सारा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है स्टार्टअप का, आपको स्टार्टअप पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जितना भी चीज एनेबल किया हुआ है, जब भी मेरा लैपटॉप ओपन होगा वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चलता है। तो आप यहाँ से उसको कर सकते हो डिजेबल। तो जो भी एप्लीकेशन आपके ओपन हो रहे हो आप उसको यहाँ से डिजेबल कर देना राइट क्लिक करके। तो ऐसे आप कर सकते हो राइट क्लिक करके डिजेबल और फिर वापस एनेबल भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप जैसे लैपटॉप ओपन करते हो आपकी स्क्रीन पर दो तीन विंडो ओपन हो जाता है, जिसमें कि टेलीग्राम ओपन हो जाता है, गूगल क्रोम ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो आपको उसको क्लोज करना पड़ता है। तो आपको समझ में आ गया ये दोनों एप्लीकेशन ओपन होता है तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से उसको डिजेबल कर देना तो वो फिर ओपन नहीं होगा। और दोस्तों आप यहाँ पर डिजेबल सिर्फ उसी को करना जो एप्लीकेशन आपको इरिटेट कर रहा हो, यानी आप जब ओपन करते हो तो ओपन हो जाता हो और उसको क्लोज करना पड़ता हो, ये सारा कुछ मत कर देना। क्योंकि कुछ चीज होते हैं जो कि लैपटॉप में बैकग्राउंड में चलने चाहिए और आप जैसे ही डिजेबल कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा, वो अपने आप ओपन नहीं होगा। जब आप ओपन करोगे तभी वो ओपन होगा। और परफॉर्मेंस में जाकर के आप अपने लैपटॉप के परफॉर्मेंस को देख सकते हो, यहाँ पर सारा कुछ दिखाएगा, सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, सारा कुछ यहाँ पर आपको शो होगा, कितना गीगाहर्ट्ज का स्पीड दे रही है यहाँ पर, वो सारा कुछ यहाँ पर शो होगा। तो दोस्तों इस तरह के वीडियोस मैं हमेशा बनाता रहता हूँ। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।